अगर आप शबनम केस पर निगाहें रखे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शबनम आखिरकार फूट फूट कर क्यों रोई? क्या उसे फांसी का डर सता रहा है? आखिरकार पूरा मामला क्या है, आपको इतिहास से बताते हैं। दरअसल शबनम जो कि अपने परिवार के ही 7 लोगों का कत्ल कर चुकी है और रामपुर की जेल में बंद है, मथुरा जेल में उसकी ये कहीं ना कहीं फांसी की तैयारियां चल रही हैं। कई बार जो फांसी लगाने वाले जल्लाद हैं वो जाकर के तैयारियां देख चुके हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह शबनम का नाम चल रहा है। वहीं उसके नाम सलीम के साथ भी जोड़ा जा रहा है, सलीम जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार शबनम फूट फूट कर क्यों रो रही है। जब उसके बच्चे से उसको मिलवाया गया जिसका नाम उन्होंने प्यार से पहले बिट्टू रखा था, उस बच्चे को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। और उसके बाद रोने की वजह एक और भी है कि शबनम की दया याचिकाएं हर जगह से ठुकराई जा चुकी हैं। राष्ट्रपति तक उसकी दया याचिका को लेकर के जाया गया है। राष्ट्रपति ने भी उसको माफ नहीं किया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ भी रुख किया गया। लेकिन हर जगह से शबनम को निराशा ही हाथ लगी है। वह जिस जगह रहती है, जिस थाने में उसको सजा मिल रही है और वह सजा काट रही है, वहां वह बेहद एक अलग ढंग से जिंदगी को जी रही है। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। अगर सचमुच शबनम के लिए फांसी होती है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी भी कई कानूनी पेच बाकी हैं। लेकिन सच मानिए, शबनम जो कि अपने बेटे से मिली तो फूट फूट कर रोने लगी और उसने एक बड़ा खुलासा किया कि वह जांच की मांग करती है, जिसकी जांच हो और सच सामने निकल कर के आए। इससे तो यही स्पष्ट हो जाता है कि शबनम को जहां अपने बेटे की चिंता है तो वहीं फांसी का डर भी है। खैर, आप क्या सोचते हैं शबनम के इस रोने को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत टीवी के साथ लगातार बने रहेगा शबनम केस को लेकर। न्यूज रूम से देव की रिपोर्ट।